नमस्कार, मैं नियाज खान। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर सुपर स्पीड के साथ बढ़ रहा है। इस तरह महज 6 दिनों में ही कोरोना के नए केसों के आंकड़ा 150% तक बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश भर में कुल 2,47,417 नए केस मिले हैं और इसके साथ ही एक्टिव मामलों का आंकड़ा 11 लाख के पार हो गया है। उसके एक दिन पहले 1,94,720 केस थे, मतलब एक दिन के अंतराल में सीधे लगभग 50,000 मामलों में इजाफा हुआ है और ये रेशियो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अब आपको टॉप 5 राज्यों के नाम बताते हैं जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 46,723 नए मामले, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 27,561 नए मामले, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 22,155 मामले, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 21,390 मामले, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 17,934 नए मामले। ये उन टॉप 5 राज्यों के नाम हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र के हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बुधवार को दिन भर में 84,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। नए केसों के आंकड़े के साथ ही रिकवर होने वालों की संख्या में भी तेजी के चलते हालात कुछ हद तक नियंत्रण में हैं। अब तक मिले कोरोना के कुल केसों के मुकाबले एक्टिव केसों का प्रतिशत भी तेजी से बढ़ते हुए 3.08% हो गया है। इसके अलावा डेली पॉजिटिविटी रेट अब 13% से ज्यादा हो गया है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट भी 10% के पार बना हुआ है। यही नहीं, रिकवरी रेट जो पिछले महीने 98% के पार था वो अब घटते हुए 95.59% ही रह गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है और अब तक 150 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टीका लगवाने वाले लोगों की स्थिति संक्रमण के बाद भी ज्यादा गंभीर नहीं हो रही है। ऐसे में अब भी बचाव के साथ टीका ही कोरोना संकट से निपटने का सबसे कारगर उपाय है। इसके साथ अभी हाल ही में WHO चीफ ने भी वैक्सीनेशन को ही एकमात्र उपाय बताया था जिससे कोरोना पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। WHO चीफ टेड्रोस एडनॉम ने कहा था, निश्चित रूप से कोविड को हराया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर की सभी सरकारों और वैक्सीन उत्पादकों को 2 चीजों को लेकर आश्वस्त करना होगा। पहला ये कि ऐसे देश जहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच रही हैं लेकिन कोरोना का जोखिम है, उन देशों में वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाएं, और दूसरा ये कि लोगों को वैक्सीन देने के लिए आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त पूर्ति की जाएगी। हम तब तक कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने गरीब देशों में वैक्सीनेशन के ऊपर जोर देते हुए कहा था, विश्व के नेताओं को वैक्सीन असमानता को समाप्त करने के लिए एक साथ आना चाहिए, क्योंकि कई देशों में वैक्सीन की कमी के कारण देश की बड़ी आबादी वैक्सीनेट नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ अमीर देशों ने अपनी बूस्टर डोज की भी खुराक देनी शुरू कर दी है। वहीं अगर अब हम ओमिक्रॉन केसेस की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। ओमिक्रॉन के कुल मामले 5,488 हो गए हैं, 2,162 लोग रिकवर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में 1,367 मिले हैं। अब दिल्ली के बजाय दूसरा नंबर राजस्थान का है जहां 792 केस मिल चुके हैं। दिल्ली में 549 केस मिले हैं। 486 केसों के साथ केरल चौथे नंबर पर है, जबकि 479 केसों के साथ कर्नाटक 5वें स्थान पर है। तो इस तरह से एक तरफ कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं तो दूसरी तरफ रिकवर होने वालों के आंकड़े भी ज्यादा हैं, जो एक तरह से राहत की खबर है।